सो गाइस, मास्टर प्रवीण एंड आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी योगा की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है वेट लॉस के ऊपर एंड एस्पेशली दिस वेट लॉस सीरीज जो है आपकी स्टैंडिंग प्रैक्टिस के साथ में इसको मैं कोरिलेट में करूँगा। वेट लॉस नाउ डेज इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। सभी को पता है कि आज के टाइम पर दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि ईच एंड एवरी पर्सन बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट एंड आवर डेली लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ये बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हमारा वेट लॉस का एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया आज के टाइम पे। एंड वेट लॉस के कारण आल्सो हैव सम अदर डिजीज इज आल्सो कम इन आर बॉडी। तो उसके लिए एक छोटा सा सीरीज में आपको मैं यहाँ पर दूंगा कि आप उसको कैसे एक स्टैंडिंग प्रैक्टिस सीक्वेंस के साथ आप उसको कैसे उस रेमेडी को आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इन द स्टैंडिंग लाइक फर्स्ट यू कैन बी गो विद सम जेंटल वार्म अप रूटीन। वार्म अप के अंदर यू कैन बी हैव द बैंड लेग्स, हग द नीज बोथ साइड। आप उसको 4 times, 5 times, 6 times और इवन 10 times आप उसको कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट सम स्ट्रेच फॉर द नेक लाइक अप एंड डाउन, धीरे धीरे इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ डाउन, इनहेल के साथ लेफ्ट एंड राइट का सीक्वेंस जस्ट फॉर द रिलैक्सेशन, ए जेंटल वार्म अप एंड देन ड्रॉप द हेड लेफ्ट एंड देन ऑन द राइट साइड। तो ये जो रूटीन है दिस इज़ रियली वेरी गुड। आप कोई भी रूटीन की प्रैक्टिस करें तो वार्म अप का होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जस्ट हैव द सम शोल्डर रोटेशन बोथ साइड 5 times, 6 times आप उसको कर सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज, वेरी गुड। एंड जस्ट सम द स्ट्रेच फॉर द आर्म्स, बोथ आर्म्स अप, इनहेल एंड एक्सहेल देन डाउन, बोथ आर्म्स अप, इनहेल, फिंगर लॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स, लुक अप एंड एक्सहेल देन डाउन। You can be have the routine for 5, 6, 7 times and after that the practice is we start with some gentle side bending first, hands on the waist, inhale, exhale, bend on the left, inhale and exhale, bend on the right. So you should give the routine for minimum like 10 times, 15 times and then 20 times and after that the routine, right hand up, inhale, exhale, bend on the left side, come back, inhale, exhale, bend on the right side, come back, inhale, exhale, bend on the left side. So ये routine भी आप continuously 10 times and 20 times आप दे सकते हैं. And after that the practice like with the open legs. Open leg के साथ भी the same one like inhale, exhale, bend on the left side. आप उसको movement में दीजिए. Movement मतलब कि left में गए आप, फिर right में गए, फिर left में गए, फिर right में गए. Movement you can be correlate. आप उसको 10 times, 20 times, 30 times depends, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, उसके साथ आप उसको अप एंड डाउन उसको आप कर सकते हैं। मूवमेंट को आप होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें होल्ड किया 6 count, 10 count, 20 count, सो धीरे धीरे आप अपने लेवल को इसमें इंक्रीज अप कर सकते हैं। अब इसी प्रैक्टिस को विल बी कोरिलेट विद द ट्रायंगल पोज। तो जैसे कि आप ओपन द लेग्स, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, हिप स्क्वेयर, ओपन हैंड्स, लेफ्ट हैंड डाउन एंड देन राइट हैंड अप और इवन राइट हैंड स्ट्रेट ओवर द हेड, यहाँ स्टे कीजिए 10 counts, 20 counts, 30 count, धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को इंक्रीज आप कर सकते हैं। स्टक द बैली इन, कम बैक, सेम प्रैक्टिस आपको राइट साइड से भी आपको करना है, इनहेल, एक्सल देन बैंड ऑन द राइट साइड। ध्यान दीजिएगा, डू नॉट मूव द हिप लाइक दिस। सो कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि ज़्यादा नीचे जाएंगे सो इट विल बी इफेक्ट मोर, नो, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपको यहाँ करना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द स्टमक एंड फ्रॉम द हिप साइड एंड देन यू जस्ट बी स्टे। यू कैन बी रिपीट द सेम प्रैक्टिस फॉर 2 times एंड 3 times, दैट विल बी वेरी नाइस प्रैक्टिस। जो आपका साइड वेस्ट का है, आपके कोर जो है, आपके हिप और लेग्स, इसमें सभी इसमें आपके वो इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद द वन इफेक्टिव प्रैक्टिस, जैसे कि जो आपने टेम्पल पोज के बारे में आपने सुना होगा, टेम्पल पोज मीन्स लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, राइट फुट ऑन द राइट साइड। तो फर्स्टली आपको ये मेंटेन अलाइनमेंट आपको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, लाइक यूर नी एंड द हिप अलाइन, नी एंड एंकल अलाइन बोथ साइड के साथ में। समटाइम्स यू आर प्रैक्टिसिंग लाइक हियर, सो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है नी के हिसाब से, सो मेंटेन इट। सो वंस यू कम इन द पोजिशन, आपको नी जो है बाहर की तरफ आपको पुश करने है और हिप आपको आल्सो पुश द फ्रंट साइड, नी बाहर की तरफ, हिप को सामने की तरफ, ताकि आप अपनी इनर थाई को एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप उसको यूज कर सकें। रेपिटेशन आप दीजिए, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप 5-5 के आप इसमें 3 रेपिटेशन कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप 5 से 6 आइए, 6 से 10 आइए, 10 से 15 आइए, तो इस तरह के रेपिटेशंस आप इसमें दे सकते हैं। सो दिस प्रैक्टिस कैन बी आल्सो वेरी गुड फॉर द वेट रिड्यूशन, एस्पेशली जो आपके जो लेग्स हैं, आपके जो थाई हैं, जो हिप हैं, उनके ऊपर ये प्रैक्टिस, दैट विल वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। मूवमेंट में दीजिए आफ्टर एवरी राउंड, आप उसमें थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, लेग्स को जक्स दे सकते हैं, एंड आफ्टर यू डिड अगेन ट्राई सेकेंड टाइम्स, थर्ड टाइम। और फर्स्ट आप मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उस चीज़ को तरीके से ले पाए, उसमें आपका एक वार्म अप का रूटीन बनेगा, आपकी एक प्रेपरेटरी प्रैक्टिस की आपकी उसकी में रूटीन बनेगी। और आफ्टर दैट आप कोई भी मूवमेंट की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप उसको होल्ड कीजिए। जैसे कि सभी को पता है आसना इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, तो जब आप इसको होल्ड करेंगे दैट विल बी इंक्रीज द मोर स्ट्रेंथ। मूवमेंट पे आपका ज़्यादा प्रेशर और आपका जो इफेक्ट पड़ेगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, स्ट्रेच के ऊपर, एंड होल्डिंग के साथ ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी वी नीड, लेकिन होल्डिंग के साथ आपकी स्ट्रेंथ आपकी उसके अंदर इंक्रीज होगी। और जब आप किसी वेट लॉस की बात करते हैं तो जब तक स्ट्रेंथ वहाँ पर नहीं आएगी आपके वेट लॉस के अंदर उसका फ़र्क नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अ गुड वे, आप इसको होल्ड कर सकते हैं टेम्पल पोज को यहीं पर नमस्ते के साथ, हैंड्स अप के साथ, साइड बेंड के साथ, आप इस तरह से आप उसको कोरिलेट आप उसे कर सकते हैं। सो दिस कैन बी आल्सो द वेरी नाइस प्रैक्टिस। एंड इसके बाद वी विल गो जस्ट द वन मोर प्रैक्टिस, सो दैट प्रैक्टिस इन द चेयर पोज। तो चेयर पोज का भी एक अच्छा प्रैक्टिस आपका जाएगा। सो लेग्स क्लोजर, थोड़ा सा एक हल्का सा गैप रखिए, इवन फीट टुगेदर देन कैन बी द ऑप्शन, बट थोड़ा सा गैप रखेंगे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू प्रैक्टिस। सो क्लोजर, थोड़ा सा गैप, नी को आप अलाइन कीजिए टोस के साथ में, हिप ज़्यादा बाहर मत निकालिएगा, हिप को थोड़ा अंदर की तरफ रखिए, ताकि आप हिप बाहर निकालेंगे इट विल बी द कंप्रेशन कैन बी कम ऑन द लोअर बैक, आप थोड़ा अंदर की तरफ करेंगे सो इट विल बी अफेक्ट यूअर थाई, एंड दिस इज ऑल अबाउट यूअर यूज द स्ट्रेंथ फ्रॉम द इनर थाई। हिप थोड़ा सा अंदर की तरफ, एंड देन जस्ट हैंड्स यू कैन बी हेयर, हैंड्स कैन बी अप, यहीं को मेंटेन करके आप ऊपर और नीचे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसे कर सकते हैं। तो आप इसे 1 time कीजिए, 2 time कीजिए, 3 time कीजिए, होल्डिंग कीजिए 6 seconds की होल्डिंग, सॉरी 6 count 10 seconds की होल्डिंग, फिर 20 की, 30 की, धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप इंक्रीज करेंगे देन वी विल फाइंड कि येस आप 10 से 20 गए, 20 से 30 गए, इट मीन्स स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग एंड वेरी मच इफेक्टफुल फॉर द वेट लॉस। उसके बाद आप एक वन मोर प्रैक्टिस वी कैन बी कोरिलेट, दैट इज फॉर द ट्विस्ट, लेग्स गैप, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर, एंड देन यू कैन बी ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट, कम बैक इनहेल एक्सेल, देन कैन बी ट्विस्ट ऑन द राइट, कम बैक इनहेल एक्सेल, कैन बी टर्न ऑन द लेफ्ट, कम बैक इनहेल एक्सेल, देन कैन बी ऑन द राइट। सो ये है थोड़ा ट्विस्टिंग का प्रैक्टिस, दैट विल बी अफेक्ट यूअर स्पाइन एंड द स्टमक। एंड उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा सन सैल्यूटेशन को इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल सन सैल्यूटेशन, वो आप सभी को पता है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू द वन राउंड, बोथ हैंड्स अप, इनहेल एक्सेल बैंड बैक, इनहेल कम बैक, एक्सेल बैंड फॉरवर्ड, बैंड लेग्स, पुट योर राइट लेग बैक, इनहेल एक्सेल पुश योर हिप डाउन, लेग बैक कम इन द प्लैंक पोज, इनहेल एक्सेल, आप इसमें चतुरंगा कर सकते हैं और आप इसमें अष्टांग नमस्कार कर सकते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। अपवर्ड डॉग इनहेल, डाउनवर्ड डॉग एक्सेल, राइट लेग इन बिटवीन आर्म्स, इनहेल एक्सेल हिप डाउन, लेग फ्रंट इनहेल एक्सेल बैंड फॉरवर्ड, इनहेल बोथ आर्म्स अप, एक्सेल बैंड बैक, इनहेल कम बैक, एंड एक्सेल देन रिलैक्स। तो इस तरीके से यू आप सभी को पता है ट्रेडिशनल सन सैल्यूटेशन के बारे में, तो आप इसको ऐसे कंटिन्यूस सीरीज पे आप लेके जाइए। आप बिगनर हैं, आप उसको धीरे, बिल्कुल धीरे कीजिए, 1 time, 2 time, 3 time, तो धीरे धीरे आप उसके जो लेवल है, आप उसके जो रेपिटेशंस हैं, आप उसको वो इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो सन सैल्यूटेशन के अंदर सो मेनी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, वेरिएशंस, बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे वेरिएशन, लेकिन अभी ये एक बिल्कुल सिंपल एक बिगनर रूटीन टाइप से है जिसको हर कोई इंसान, हर कोई प्रैक्टिशनर कर सकता है इजी तरीके से। सो
सो दिस इज द वन शॉर्ट वीडियो, वट एवर द प्रैक्टिस वी डिड, आप उसको रिपीट कीजिए. अभी आई मेक दिस वीडियो समवेयर इज अबाउट 10 मिनट, लेकिन आप इस रूटीन को तरीके से करेंगे, रेपिटेशन थोड़े से और इंक्रीज करेंगे, थोड़े से राउंड और इंक्रीज करेंगे, बार बार कीजिएगा रेपिटेशन के साथ, तो आप इस प्रैक्टिस को समवेयर 30 और 40 मिनट तक भी आप इस प्रैक्टिस को लेके जा सकते हैं. एंड डेफिनेटली अगर आप इसको कंटिन्यूस करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी हैव द रिजल्ट. So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें. Let's we all spread the yoga awareness in our whole nation, country and the world. So thank you so much guys. Namaste, Hari Om, Om Shanti.